हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना मिश्रा सिंपल एंड स्वादिष्ट में आपको स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अजवाइन की पत्ती की पकौड़ी लेकर के आई हूँ। ये पकौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अजवाइन की पत्ती की पकौड़ी बनाना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अजवाइन की पत्ती कैसी होती है। तो ये देखिए, ये अजवाइन की पत्ती कुछ इस तरीके से होती है। तो इसकी पत्ती की थिकनेस थोड़ी सी और पत्तियों से ज्यादा होती है, ये थोड़ी सी मोटी होती है। इसका पेड़ आप घर में अपने लगा सकते हैं, इसके बहुत ही आसानी से इसका पेड़ लग जाता है और इसमें बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, जिसको आप तोड़ करके इसकी पकौड़ी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पकौड़ी बनाना। ये एक छोटा बाउल मैंने बेसन लिया है, ये इसको डाल देंगे इसी में, और जरा सी इसमें हल्दी डाल देंगे जिससे कि कलर अच्छा आ जाएगा, और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा तीखा हो जाएगा। और ये अजवाइन है, इसको भी हम क्रश करके डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मत डालिएगा। और ये एक हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, इसको भी डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और ये धनिया की पत्ती, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, इसको भी हम डाल देंगे, और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इसका हम एक घोल रेडी कर लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक इसका घोल रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इसका बैटर कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा इसका बैटर थिक ही होना चाहिए, नहीं तो ये पत्ती को कोट नहीं करेगा। ये देखिए, इस तरीके से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल डालकर चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम एक एक पत्ती लेंगे और पत्ती को इस तरीके से हम उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे। अब डिप करने के बाद इसको हम इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से मैं सारी पत्तियों को एक एक लूंगी और ऐसे डिप करके इसमें डालती जाऊंगी। तो ये देखिए, गैस को हम लो टू मीडियम में ही रखेंगे। अब हम इनको पलट देंगे जिससे कि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सिक जाए। फ्रेंड्स, आप एक बार ये पकौड़ी बनाकर खाइएगा जरूर, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और फिर हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये पकौड़ी कैसी लगी। तो इनको हम उलटते पुलटते हुए हम दोनों तरफ से सेक लेंगे, जब तक ये हल्के गुलाबी कलर के ना हो जाए। और गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अगर आपको लगे कढ़ाई बहुत हल्की हो गई है, तेल ठंडा हो रहा है, तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी ये पकौड़ी बन के रेडी होती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो आपका जब भी मन करे शाम की चाय के साथ आप ये पकौड़ी बना करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पकौड़ी बन करके रेडी हो गई है। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म अजवाइन की पत्ती की पकौड़ी तैयार है। मैं तो इसको शाम की चाय के साथ इंजॉय करने जा रही हूँ। आप लोग भी इसको बना करके खाइएगा और हमें बताइएगा कि ये पकौड़ी कैसी बनी है। और मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।